Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Tura Weber. Today we are discussing about TCS. TCS means tax collected at source. As a source, जहाँ पे हम buyer से tax collect करेंगे in the form of like आप scrap अगर आपने company से बेच रहे हैं तो आप जब sale करेंगे scrap को तो जो buyer होगा आपका उससे आप tax collect करेंगे तो उसको हम tax collected at source बोल रहे हैं. अलग अलग different different fields पे अलग अलग percentage set हैं government की तरफ से. जैसे scrap पे हम कह रहे हैं तो scrap पे हमारी 1% लगती है. alcohol पे अगर हम बात कर रहे हैं तो 5% है. timbers पे हमारा 2.5% है. इस तरह से अलग अलग rates की हमारी tax collected at source है. तो चलिए शुरू करते हैं busy के अंदर TCS कैसे इसको implement करना है, कैसे हमें लगा के देखना है और कैसे इसको activate करना है. तो सबसे पहले आप busy का software अपना open कर लीजिए. busy का software open करने के बाद अपनी company open कीजिए. company open करने के बाद आपको आना है यहाँ administrator. administrator पे आपको जाना है configurations. configurations में आपको जाना है features option. फीचर्स ऑप्शन पे आपको आने के बाद TDS एंड TCS का यहाँ पे टैब नजर आएगा. इस पे आपको क्लिक करना है, देन TCS को एक्टिवेट करना है. TCS को एक्टिवेट करने के बाद आप अपना यहाँ पे 10 नंबर बताएंगे, जो भी आपका 10 नंबर है. ठीक है, वो आपने यहाँ पे बता दिया. ठीक है जी, सर्कल आप बता सकते हैं, आपकी कंपनी का टाइप बता सकते हैं, एड्रेस बताएंगे अपनी कंपनी का. ठीक है, लाइक दिस बिल्डिंग, रोड, स्ट्रीट वगैरह अगर कोई है, एरिया एरिया आप बताएंगे यहाँ पे, टाउन बताएंगे, स्टेट वगैरह बताएंगे यहाँ पे, चूज कर सकते हैं आप यहाँ पे. ठीक है, ये आपने यहाँ से दिल्ली यहाँ से चूज कर लिया. ठीक है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है आपकी फर्म में. अब लाइक मैंने अपना नाम डाल दिया है, तुरा भेदर रेस्पॉन्सिबल पर्सन. फादर्स नेम वगैरह भरेंगे उनका. डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, उनका पैन नंबर क्या है, फ्लैट एड्रेस बता दीजिए वहां का जहाँ पे वो रहते हैं. ठीक है, देन यहाँ पे आप दिल्ली ले लेंगे. पिन कोड, स्टडी कोड, ये सब आप मेंशन करेंगे. उसके बाद आप यहाँ से सेव करेंगे इसको. सेव करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएंगी. उसके बाद आप चेक कर सकते हैं यहाँ मास्टर्स में बिल्टी मास्टर देख सकते हैं आप. ठीक है, बिल्स एंड एंट्री में मॉडिफाई में जाके TCS का एक फोल्डर हम क्रिएट करेंगे. मॉडिफाई में नहीं आ रहा तो ऐड कर लेंगे. ऐड में जाएंगे तो यहाँ पे हम बनाएंगे TCS. ठीक है, यहाँ पे एडिटिव बनाएंगे, अदर्स डालेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स को इफेक्ट करना है या सेल को इफेक्ट करना है वो सब यहाँ पे डिटेल देंगे. ठीक है, इसको हम नो कर देंगे. यहाँ पे स्पेसिफाई हेयर करेंगे. ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. ठीक है, उसके बाद इसे यस रखेंगे, बाकी सारा जैसे है वैसे ही रहेगा. इसको हम सेव करा देंगे तो ये हमारा क्रिएट हो गया. आप चेक कर सकते हैं मॉडिफाई में जाके TCS. ठीक है, एंटर करेंगे तो ये सारी डिटेल आपको दिखा देगा. अगर आप अकाउंट में जाके भी मास्टर चेक करेंगे तो यहाँ पे TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स आपको दिखा रहा होगा. ठीक है, ये पहले से बिजी क्रिएट कर देता है. उसके बाद आपको आना है, अगर पहले से आइटम आपके पास बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो पहले यहाँ से एक आइटम ऐड कर लीजिए, क्योंकि पहले से आपके पास परचेज होनी चाहिए स्क्रैप की, तब भी आप यहाँ पे बेच सकते हैं. ठीक है, जैसे एक मशीनरी का स्क्रैप मेरे पास है तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मशीन स्क्रैप. ठीक है, इसको हमने पीस में लिया है. ठीक है, टैक्स कैटेगरी अभी इस पे जीएसटी वगैरह की तो नीली रखेंगे. ठीक है, उसके बाद इसको हम सेव कराएंगे, इसको यस करेंगे. ठीक है, अब आ जाएंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन में सेल पे, ऐड पे आ जाएंगे. ठीक है, वाउचर नंबर आप एक ही रखेंगे. यहाँ पे आप TCS बना लेंगे F3 करके. TCS यहाँ पे एग्जेम्प्टेड रख लेंगे इसको हम TCS को, देन सेव करेंगे. ठीक है, पार्टी नेम आप F3 से क्रिएट करेंगे जिसको भी आप सेल कर रहे हैं. हरी प्राइवेट लिमिटेड को मैंने सेल किया है. अंडर में सैंडी
स्टेटस क्या आएगा, यहाँ पे टीसीएस की विंडो आएगी, टीसीएस को यस करना है, बॉडी टाइप बताना है उसका, कंपनी का टाइप क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद F2 करके इसको डायरेक्ट सेव कर देंगे, ठीक है। आइटम हमारा था मशीन स्क्रैप, ठीक है, कितने आपने बेच दिया मशीन का स्क्रैप। अब ये केजी में है या पीस में, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये केजी में है तो आप इसे यहाँ से केजी में ले सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पीसेस में डाला था। अदरवाइज अगर आपका पीस में है तो पीस में ले सकते हैं आप, ठीक है। तो जिसमें भी है आप उसमें चूज कर लेंगे उसको, ठीक है। कितने केजी आपने बेच दिया है वो यहाँ पे आप बताएंगे, ठीक है। केजी में था, ठीक है। टीसीएस यहाँ मैंने लिया था, पार्टी नेम हरी प्राइवेट लिमिटेड डाला था, मैन लोकेशन में, मशीन स्क्रैप था, कितने केजी आपने बेच दिया है, ठीक है। इसको यस करेंगे, कितने रुपए पर पी केजी बिका है, ठीक है। F2 करके नीचे आएंगे, टीसीएस इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे कितने परसेंट लगता है स्क्रैप पे, 1%, तो 1% काउंट कर लेंगे। देन F2 प्रेस करेंगे, ये TCS की स्क्रीन आएगी, लोअर रेट नो ही रखेंगे, यहाँ पे एक कोड दे देंगे 06C, सेक्शन 206C के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो एक सब कैटेगरी दे दी मैंने 06C, रेफरेंस नंबर 1 यूज कर लिया है, ठीक है। ये अपने आप बाय डिफॉल्ट कट गया है 1%। उसके बाद F2 करके सेव कर देंगे, इसको भी F2 कर दीजिए यहाँ से, देन यस कर दिया मैंने इसको। प्रिंट आप चेक करना चाहते हैं तो प्रिंट चेक कर सकते हैं इसको, प्रिंट प्रीव्यू पे जाके, ठीक है। यहाँ से आप F2 करेंगे इसे, तो इस तरह का प्रिंट आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा प्रिंट जनरेट हो गया, 1% TCS यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे पेमेंट में, गवर्नमेंट को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं या पहले रिसीव कर रहे हैं पार्टी से, तो रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टी क्या थी, हरी प्राइवेट लिमिटेड, 252,500 रुपये रिसीव कर लिए हैं, ठीक है। कैश की फॉर्म में ले रहे हैं तो कैश, अगर बैंक से ले रहे हैं तो चेक ले रहे हैं तो बैंक कर देंगे, यस करेंगे, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, सेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे पेमेंट में, ऐड पे जाएंगे, ठीक है, नोट एप्लीकेबल ही रखेंगे। यहाँ पे ले लेंगे TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, 250 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है, 2,500 रुपये यहाँ पे पे करेंगे, कैश से पे कर रहे हैं तो कैश। इसको हम सेव करेंगे यहाँ से, सेक्शन जो आपने पहले दिया था सब सेक्शन उसका वही डालेंगे, जैसे ही आप डालेंगे रेफरेंस नंबर अपने आप आ जाएगा, ओके करेंगे। क्वार्टर चेक करेंगे कौन से क्वार्टर में किया है, कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी लग रहा है तो वो यहाँ पे डालेंगे। चालान नंबर क्या है वो आप डाल देंगे यहाँ पे, जो भी चालान नंबर बैंक से आपको मिला है। चेक नंबर से डिपॉजिट कराया है तो चेक नंबर डाल देंगे यहाँ पे अपना, कौन से बैंक के थ्रू डील किए है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए F3 से, अंडर में बैंक अकाउंट के, ठीक है। इसको सेव कीजिए, देन ओके। अब आप आ जाइए डिस्प्ले पे, डिस्प्ले में आएगा TCS रिपोर्ट, TCS रिपोर्ट में फॉर्म 27EQ आप देख सकते हैं यहाँ से, फर्स्ट क्वार्टर के लिए पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, क्या चालान नंबर था, कैसे था, कितने रुपए का चेक आपने जमा कराया है वो सब। एनेक्सल देखना चाहते हैं तो आप एनेक्सल देख सकते हैं, 206C के अकॉर्डिंग, सब कैटेगरी क्या थी, 06C फर्स्ट क्वार्टर के लिए, तो यहाँ पे उसका डिटेल दिखा देगा। उसके बाद टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की डिटेल देखनी है ऑल कैटेगरीज पे, तो उसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। एज पर द गवर्नमेंट रूल सारी यहाँ पे हमें डिटेल दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट निकाल सकते हैं TCS की रिपोर्ट, यहाँ पे जाके ई रिटर्न TCS, ठीक है। इसको प्रीव्यू चेक कर सकते हैं आप, या प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसका। एक्सपोर्ट करना है अगर आपको PDF में, तो PDF में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वुड यू लाइक टू ओपन, यस करेंगे तो वो हमारा PDF में जनरेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी TCS की, TCS में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें, और हमारे जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।